एक बार मैं और मेरा दोस्त ऑफिस के कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जब इनकी जानिब गौर से देखा तो वो बुझे बुझे से थे। वजह पूछी तो कहने लगे, आज मुझे मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नज़रें उठाकर इनकी आंखों में देखा, जहाँ इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे कि मैं हमेशा से बदतमीज़ रहा। बचपन में स्कूल जाते हुए ज़िद करता, खाना खाते हुए ज़िद करता, नखरे करता, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझे नहीं है याद कि 5वीं क्लास तक अपने हाथों से नहाया हो, खाया हो, पिया हो, ना तो जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप बहन और भाइयों की मोहब्बत न मिल सकी। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक मेरी यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियां, पेंसिलें और बैग की हर शय इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था। मगर सुबह आँख खुलते ही देखता कि तमाम चीज़ें बहुत सलीके से बैग में पड़ी हुई हैं और मेरा बैग बड़ी नफासत से मेज पर रखा हुआ है। मुझे लाख बार कहा जाता था कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह होती तो लबे शीरी मुंह का जायका बदला हुआ होता था। पहले पहल तो पता नहीं चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता था। जब कभी रात को उठता तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पे कंबल डाल दिया गया है ताकि मुझे सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में दो ही चीज़ों से चिढ़ थी, एक 11 से 13 घंटे तक चलाई जाने वाली सिलाई मशीन और दूसरी रोटी के किनारों से कि अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी का वो टुकड़ा जो मैं उतार देता था, ना तो कभी घर से बाहर फरोख्त होते देखा और ना ही कभी घर के कूड़ेदान में पड़े देखा। जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं इसी सिलाई मशीन की तरफ रुख करता जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी मुझे मामूल से हटकर कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने का दौरानिया 11 से 16 घंटे तक जा पहुँचता है। मुझे याद है कि कॉलेज में दाखिले के लिए मुझे 1500 रुपये ज़रूरत थे। मैंने घर आकर बता दिया। इसी रात 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो मुझे घर के बरामदे में कुछ खटपट होती हुई महसूस हुई। ज़रा गौर किया तो महसूस हुआ कि कोई घुटी घुटी हुई सिसकियों के साथ रो रहा है। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ जाने कब से मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने जाकर पूछा, क्या कर रही हो माँ? माँ ने चौंककर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ किए और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए बिल्कुल साफ आवाज में कहने लगी, और सामने वाली सुरैया है ना, इसके भाई की शादी है, इसने कहा सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूँ, लेकिन धागा नहीं डल रहा सुई में। इस दिन मुझे माँ के आंसू देखकर और हालत देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। इधर FA मुकम्मल हुआ, उधर ऑफिस में भी काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बता दिया तो वो खुशी से निहाल हो गई। सिक्का पारे लाकर पूरे मोहल्ले में बांट दिए। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया, थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, पांव चारपाई से लटका ही सो गया। जब उठा तो देखा के खिलाफ मामूल आज ना तो मेरे पांव से जूते उतरे थे और ना ही खाना तैयार था। माँ को आवाज़ दी, माँ माँ ऐ माँ, माँ उठिए ना, भूख लग रही है। चीख चीख कर रोया, 1000 मिन्नतें की, मगर शायद इस बार माँ उठने के लिए नहीं सोई थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया गोया कब्रिस्तान लगता था। इधर दियार गैर में आकर अपना सारा काम खुद करता हूँ। सोचता हूँ कि मैंने कभी जिसकी खिदमत न की वो मेरी माँ थी, नुकरानी नहीं थी। माँ एक नेमत है, इसकी कदर कीजिए। माँ एक नेमत है, इसका एहसास कीजिए। माँ एक नेमत है, इसकी खिदमत कीजिए। उतरने ही नहीं देती मुझ पे कोई आफत। मेरी माँ की दुआओं ने आसमान को रोक रखा।